दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी, दिल्ली में 525 कोरोना के केसेस हैं और उनके पास सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 2950 बेड्स उपलब्ध हैं। उन्होंने ये घोषणा भी की कि साउथ कोरिया की तर्ज पर हर रोज कहें, या उन्होंने ये कहा कि 1,00,000 रोज टेस्ट होंगे। जब उन्होंने घोषणा की, हमने उनकी घोषणा का स्वागत किया था। दिल्ली में 7 अप्रैल के बाद कोरोना केसेस की संख्या आज लगभग 14,000 कुछ हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी दिल्ली की स्थिति के बारे में, और 20 मई को दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमारे पास दिल्ली में कुल 3150 बेड्स हैं, उसमें सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। कोरोना के केसेस की जो संख्या है, आप देखिए, 7 अप्रैल को 525 थी, अब बढ़ के 14,000 कुछ हो गई, तो 27 गुना ज्यादा संख्या बढ़ गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 30,000 बेड्स को हमने चिन्हित कर लिया, ये बात कब गई, 7 अप्रैल को, और 20 तारीख को कोर्ट में कह रहे कि हमारे पास 3150 बेड्स उपलब्ध हैं, और आज उन्होंने कहा कि यह संख्या बढ़कर 4,500 हो गई है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि ये 25,500 बेड्स कहां चले गए। उन्होंने कहा था कि 12,000 बेड्स हमारे हॉस्पिटल्स में होंगे, 10,000 बेड्स हमारे 5-star होटल्स में होंगे, 8,000 बेड्स हमारे ये जो आपके बैंक्वेट हॉल हैं या धर्मशाला उनमें होंगे, और उनमें सभी डॉक्टर्स और नर्सेस की व्यवस्था होगी। तो अब हम उनसे पूछना चाहते हैं बेड्स के बारे में। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में निरंतर कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लोग बड़ी संख्या में, अभी 2 दिन में 53 लोगों की मृत्यु हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 7,006 एक्टिव केसेस हैं और इनमें से 253 जो हैं वो ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडमिट हैं, उनमें से 187 आईसीयू में हैं और 29 जो हैं केसेस जो हैं वो वेंटिलेटर का है, 116 कुछ और अलग हॉस्पिटल्स में हैं और 483 जो हैं ये भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है। तो ये जो संख्या है ये 7,006 उन्होंने बताई है, तो जो हम इसको टोटल कर रहे हैं तो 717 जो एक्टिव केसेस हैं उनका पता भी लग रहा कि वो कहां है, ना वो हॉस्पिटल्स में है, ना वो उनका जो इलाज है वो उनके घरों पे हो रहा है। तो एक तो 717 जो एक्टिव केसेस हैं वो कहां है, ये अरविंद केजरीवाल जी को बताना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, बात करते हैं साउथ कोरिया की तरफ पे, वो दिल्ली में इस बीमारी से लड़ने की बात कह रहे हैं। 20 मई को उन्होंने
3953 3953 लोगों की जांच करवाई और जो रिपोर्ट आई वो 534 मरीजों की पॉजिटिव आई और 1345 लोगों की नेगेटिव आई और अभी तक 274 मरीजों की रिपोर्ट पेंडिंग है। अब आप मुझे बताइए 20 तारीख को सरकार 3953 लोगों की जांच कराती है तो 274 तक लोगों की अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है और जो दिल्ली में टोटल पॉजिटिव केसेस हैं 7000 कुछ, उसमें से 717 जो पेशेंट्स हैं उनका पता ही नहीं है वो कहां है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ना तो दिल्ली के लोगों के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 30,000 बेड्स की हमने व्यवस्था कर ली है, ना तो वो व्यवस्था कर पाई, ना वो ठीक से जांच कर पा रही है, पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है। हम अरविंद केजरीवाल की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो दिल्ली में बेड्स की संख्या बढ़ाएं और जांच की व्यवस्था को ठीक करें। ये आज हम सभी 8 के 8 विधायकों की ओर से मैं ये बात कहना चाहता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह की घोषणाएं करते हैं उनमें सच्चाई नहीं होती है। तो मुझे तो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो झूठ की मशीन बन गए हैं। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। अब श्री विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो आपको आगे जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का विश्वास है। आज कोरोना से बड़ी चुनौती कोरोना का ट्रीटमेंट है। दिल्ली की सरकार की एक ही कोशिश है कि जो कोरोना पेशेंट है वो अपने घर पे ही रहे बिना ये जांचे हुए कि उसकी ग्रेविटी क्या है, उसकी तकलीफ कितनी बढ़ रही है, उसको आने वाले घंटों में किस तरह की मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है। जो भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है वहां जाकर एक ही बात कही जाती है कि आप घर में क्वारंटीन हो। आज दिल्ली की सरकार लगभग 95% से अधिक पेशेंट्स को जबरन, बावजूद इसके कि उनको मेडिकल एड की जरूरत है, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, बावजूद इसके उनको जबरन घर में बंद करने की बात कर रही है। सिर्फ इतना कह के आने से सरकार ये मान रही है कि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई और हमने कह दिया आप घर में रहो और वो घर में रह गया। वास्तविकता ये है कि बहुत सारे लोग ना समझ हैं, जानकारी से अनभिज्ञ हैं और वो क्वारंटीन नहीं होते। पॉजिटिव केस सरकार की नॉलेज में आने के बावजूद वो बाजार में जा रहे हैं, वो सड़क पर आ रहे हैं और बीमारी फैलाने का एक बड़ा स्रोत बन रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बयान पर हम लोग यह बात कर रहे हैं कि वो बताए कि जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं सरकार बताए कि क्या गारंटी है कि वो पब्लिक के कांटेक्ट में नहीं आ रहे उसके बाद, क्योंकि आप ना तो उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, ना उनकी टेक केयर कर रहे हैं, ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उसको सिर्फ घर पर जाके इतना कहने से या उसको बताने से, इतना फोन पर इतना बताने से कि आप अलग रहिए, वो अलग रह रहा है और अधिकांश केस अनधिकृत बस्तियों में आ रहे हैं, झुग्गी बस्तियों में आ रहे हैं, अर्बनाइज विलेजेस में आ रहे हैं और जितने कंटेनमेंट एरिया बन रहे हैं वो कंटेनमेंट एरिया का जो रेशियो है वो तमाम हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में बढ़ता जा रहा है।
जो एक खतरनाक एक स्थिति है दिल्ली के लिए कि अगर हाई डेंसिटी एरिया में अगर कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर दिल्ली जा रही है, उस पर सरकार की लापरवाही इस कम्युनिटी स्प्रेड को बढ़ा रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें खुद माना है कि पिछले एक सप्ताह में एवरेज कई बार 650 केस भी है, कई बार 500 भी है, लेकिन उन्होंने जो फिगर दी है उसके अकॉर्डिंग 550 केस पर डे आ रहे हैं 17 मई से और 24 मई तक का उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसमें 9,755 उन्होंने पेशेंट बताए थे 17 मई को और 24 मई को आपने बताया 13,418, तो लगभग ये मिलाकर के 3700 पेशेंट बनते हैं 7 दिन में, तो ये 550 पेशेंट पर डे है। आप कह रहे हैं कि 6,740 पेशेंट ठीक हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए, कितने दिन में? पिछले 2 महीने में। अगर उसकी एवरेज हम निकालते हैं तो 60 दिन में 6,740 पेशेंट अगर ठीक हुए तो एवरेज बैठ रही है 100, यानी ठीक 100 हो रहे और बीमार होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो ये जो गैप है और जो संख्या बढ़ रही है और आपका झूठ तब सामने आ गया। ये मेरे पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो कल निकला है, हाईकोर्ट में आपने खुद फिगर दी है कि हमारे पास सिर्फ 3,150 बेड है, जबकि कुछ दिन पहले आपने खुद कहा हमारे पास 30,000 बेड का इंतजाम है। यानी कि एक तरफ आप जनता में ये भ्रम पैदा करते हैं कि सरकार के तमाम इंतजाम पुख्ता है और एक तरफ देखने में यह आ रहा है कि आज जितने पेशेंट बढ़ रहे हैं उसके अनुसार आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हाई कोर्ट में एक्सपोज होने के बाद आपने 24 मई को ये ऑर्डर आता है, 23 तारीख को जो कोर्ट का जो ऑर्डर है ये 23 तारीख को आया है, ये 20 मई को आया है, और जब आपको लगा कि आप ये एक मुद्दा बन गया कि हाई कोर्ट में जो फिगर आपने दी है और जितने दिल्ली में व्यवस्थाएं होनी चाहिए उससे बहुत कम है, तो आप एक ऑर्डर निकालते हैं जबरन, ये तोलकी आदेश जारी किया जाता है जिसके पीछे कोई तर्कसंगत स्थिति नहीं है। इस ऑर्डर में आपने बोला है कि हमने हर प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जिनकी संख्या 117 है दिल्ली में, 117 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम जिनमें 50 या उससे ज्यादा बेड है उनको 20% बेड जो है कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए। ये बम का गोला वो जनता के बीच में फेंक रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप बिना जानते कि वहां पर कोविड और नॉन कोविड का क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई डिस्टेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपने तुगलकी आदेश जारी कर दिया कि जो 20% बेड उस अस्पताल में जिसके पास 50 से ज्यादा बेड है नहीं बनाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जानते बगैर कि वहां की जो ज्योग्राफी है या वहां का जो उस हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है या नर्सिंग होम की प्राइवेट नर्सिंग होम की जो सिचुएशन है क्या उसमें कोविड वार्ड अलग से बनने की स्थिति है कि नहीं। आपने खुद तो दो हॉस्पिटल जयपुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मात्र दो हॉस्पिटल सरकार के दिल्ली में है जिसमें आप कहते हैं कि 2000 बेड हमने लोकनायक जयप्रकाश जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया कोविड हॉस्पिटल और 500 बेड जो है वो हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजीव गांधी उसको हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने जब आपको मालूम था कि स्थिति खराब हो सकती है तो आपने समय रहते इन सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जो ऑर्डर आपने 24 मई को निकाला है सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ये पहले टाइम रहते हुए क्यों नहीं निकाला? उस समय लोगों को क्यों नहीं आगाह किया कि आपको कोविड बेड बनाने होंगे,
आप ऑल ऑफ सडन एक ऑर्डर निकालते हैं और उनको बाउंड करते हैं और तब सिर्फ ये सिर्फ हाई वॉच है, कोर्ट के आदेशों के बाद आपकी पोल खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है और पूरी सरकार, दिल्ली की सरकार पूरी तरह एक फ्रॉड, एक ब्लफ, एक लोगों को गुमराह करने का एक जरिया बन गई है। इस कष्ट के समय में जब लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं कि उनको असिस्टेंस मिलेगी, ऐसे मौके पर आप झूठ बोलकर लोगों के बीच में एक झूठी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और उसको लगता है कि कोई उसका वारी वारिस नहीं है, कोई उसको अटेंड करने वाला नहीं है। कितने पेशेंट की तो डेथ इसलिए हुई है कि उनको किसी ने अटेंड ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी कि जितनी डेथ हुई है इनकी जुडिशियल इंक्वायरी अगर हो तो इसमें 30-40% डेथ ऐसी होंगी। आप उनके पेरेंट, उनके फैमिली मेंबर से पूछिए कि लास्ट तक उनके पेशेंट को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, डेड बॉडी तक को हाथ नहीं लगाया। यानी एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है, ठीक, एक मीडियम स्टेज पर उनको एक मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो वो बच सकता था, लेकिन किसी ने सरकारी अस्पतालों में स्थिति ये है कि कोई पेशेंट को स्टेथोस्कोप तो क्या 2 मीटर दूर से भी देखने को तैयार नहीं। आज दिल्ली में कोविड पेशेंट की स्थिति नारकीय स्थिति में है, वो जीवित मुर्दे के समान उसको बनाया जा रहा है और उसको किसी भी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल असिस्टेंस नहीं दी जाती।